पुलिस कार्यालय में अपर पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री शिवराज ने जनपद के समस्त थानों पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर CCTNS कर्मियों के साथ CCTNS के संबंध में बैठक की, जिसमें उन्होंने बताया कि IIF 1 से IIF 5 तक की कार्यवाही फीड करते समय यह ध्यान रखा जाए कि मुकदमा संबंधी सूचना भरते समय धाराओं का सही उल्लेख हुआ है या नहीं, घटनास्थल निरीक्षण का अक्षांश व देशांतर अवश्य भरा जाए, अभियुक्त की गिरफ्तारी का पूर्ण विवरण व उसका फोटो अपलोड किया जाए, जब्त की गई संपत्ति का विवरण दर्ज किया जाए। इसके साथ ही थानों पर नियुक्त समस्त पुलिस कर्मियों को बीट प्रहरी ऐप के माध्यम से कार्यवाही कराने व बीट आरक्षियों द्वारा अंकित कराई जाने वाली सूचनाओं का तत्काल संज्ञान लेकर उस पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया।